हेलो दोस्तों, आज मूंग दाल का पराठा हम बनाएंगे। बहुत अमेजिंग पराठा है, आप लोग भी बनाइएगा। तो उसके लिए हमें छिलका वाला मूंग दाल चाहिए, जिसको दो घंटा पहले हम भिगो दिए थे। पूरा सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको वॉश कर दिए हम दो तीन पानी से। तो अब बनाना करते हैं स्टार्ट। अब इसमें मूंग दाल डाल दीजिए। गाइस, इसमें मिला देंगे आटा, जरूरत है उतना मिला सकते हैं। आपको कितना पराठा चाहिए। हरी मिर्च डाल देते हैं बारीक कटा हुआ, और ग्रेट किया हुआ अदरक। हल्दी पाउडर डाल देंगे गैस, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, और इसमें डालेंगे हींग। पानी से इसको सानते हैं पहले, सब मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा रेसिपी पसंद आना है, पर क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। दो चम्मच के करीब तेल देते हैं, मूंगफली का तेल यूज कर रहे हैं। आपके पास जो तेल हो आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हम गूंद के तैयार कर लिए हैं, और इसको 10 मिनट रेस्ट में रखते हैं, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पूरे पेड़ा बनाएंगे। फिर इसको बेलेंगे। इसमें तेल अप्लाई करेंगे ताकि अच्छा से परत खुल जाए। इसका फोल्ड करेंगे गाइस इस तरह से। सुखा कर डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। इसको थोड़ा थिंक रखेंगे, इसमें तो टूटना शुरू कर देगा। तब हमारा गर्म हो चुका है, इस पर डाल देते हैं। दोनों साइड ब्राउन होना चाहिए। अब घी भी डाल सकते हैं। सावधानी से गैस पलटाएंगे, नहीं तो जलने का डर है। गैस पलटाने के में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे ब्राउन होता है फिर स्पून के सहायता से पलट लेंगे। इसके चटनी के साथ आप ऐसे भी खा सकते, बहुत टेस्टी बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गैस। देखिए पक गया है दोनों साइड, ब्राउन हो चुका है, तो इसको निकाल लेंगे। तैयार है तो इसको निकाल लेते हैं।